आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस सेशन का ऑटिज़म। ऑटिज़म का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम ASD बोलते हैं। ASD स्टैंड फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, तो ऑटिज़म या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है वो आज हम इस सेशन में डील करेंगे। सबसे पहले हम ऑटिज़म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑटिज़म का इंट्रोडक्शन है कि ऑटिज़म जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। और वो वर्ड क्या है? ऑटस। ऑटस, ऑटस का मतलब होता है सेल्फ। अगर आप लोगों को ऑटिज़म आप लोगों ने पहले सुना हो या फिर किसी भी पर्सन को देखा हो जिसको ऑटिज़म है, तो जो भी ऑटिस्टिक पेशेंट या पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दूर दूर रहते हैं। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट बहुत जल्दी नहीं करते हैं। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो CNS डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जब वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, अडैप्टिव स्किल्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें नहीं आ पाती हैं। IQ लेवल हो गया, इंटेलिजेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है? कम होती है। और हमने इससे पहले के सेशन में डील किया था कि जब भी इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है या कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी बेबी है या जो भी चाइल्ड है वो क्या होता है, अडाप्ट नहीं कर पाता है, अपने अराउंड चीज़ों को समझ नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, और उनकी अडाप्टेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑटिज़म में हो रहा है। ये चाइल्ड का ही प्रॉब्लम है। ऑटिज़म जो होता है वो 30 मंथ्स, विदिन 30 मंथ्स में ही हो जाता है। जो मतलब न्यूबॉर्न्स होते हैं, जैसे ही वो फिर 30 मंथ्स के होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम तक ऑटिज़म हो जाता है। उसके बाद 30 मंथ्स के बाद ऑटिज़म नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने किया कि ऑटिज़म जो है वो ग्रीक वर्ड ऑटस से डराइव हुआ है। ऑटस का मतलब होता है सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA जो है उसने क्लासिफाई किया ऑटिज़म को एज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसमें क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। CNS डेवलपमेंट, CNS का किसी भी डिसेबिलिटी के वजह से मे भी कोई चोट लगा हो, कोई मतलब कुछ भी ब्रेन में कोई भी इफेक्ट पड़ने के वजह से या जेनेटिक कंडीशंस के वजह से क्या हो जाता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ जाती है। जो भी चाइल्ड है वो डेवलप नहीं कर पाता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ओके, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्लासिफाइड ऑटिज़म एज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम CNS डिसऑर्डर्स। जो मैंने बताया यहाँ पे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है किसके वजह से, CNS डिसऑर्डर्स की वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है या फिर कोई भी जेनेटिक कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन डील करते हैं। ऑटिज़म का डेफिनेशन क्या है? ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बात करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। दैट्स वाई जो ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे नहीं रह सकते हैं। वो बहुत क्लोज लोगों के साथ ही बात करते हैं जिससे वो ज़्यादा फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, उनसे बात करते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, सिर्फ वो उन्हीं से अपनी बातें शेयर करते हैं या बात करते हैं। और बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, उनको किसी और से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो क्या है यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन सोशल इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है उनको। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड एक स्टीरियोटाइप पैटर्न होता है उनका, सारे जितने भी ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं या ऑटिस्टिक जितने भी चिल्ड्रेन हैं, आप उनमें देखोगे कि एक स्टीरियोटाइप पैटर्न होता है। बिहेवियर, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़ जो हैं वो और ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। सोसाइटी से थोड़ा दूर रहना, अलग अलग रहना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, ये सारे उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
और डिले इन नॉर्मल फंक्शनिंग, कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उनका तो वो डिले हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ इंसिडेंस कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑटिज़म है. तो सबसे ज़्यादा ये बॉयज़ में कॉमन होता है, गर्ल्स से ज़्यादा ये बॉयज़ में कॉमन है. और बॉयज़ में भी जो फर्स्ट, स्पेशली जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है, बॉय बेबी होता है, उसमें ज़्यादा कॉमन देखा गया है. मतलब एवरेज यही देखा गया है कि जो भी फर्स्ट बॉर्न बॉय है उनमें ये ज़्यादा ऑटिज़म मिलता है. एंड नेक्स्ट इज़ ऑनसेट अकर बिफोर 30 months ऑफ एज. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी ऑनसेट होता है वो 30 months ऑफ एज से पहले ही होता है, उसके बाद नहीं होता है. ओके, इंसिडेंस. नाउ वी हैव कॉजेज विच देर आर 3 बेसिक कॉजेज जो कि ऑटिज़म करती हैं आगे जाके, एंड उसके सब क्लासिफिकेशंस भी हैं. देन सबसे पहले जेनेटिक, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, देन बायोलॉजिकल फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में हम यहाँ पे सबसे पहले डील करेंगे हेरिडिटरी. हेरिडिटरी में इमीडिएट पेरेंट को अगर है तो, इमीडिएट पेरेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मदर के साइड से किसी को है या फादर के साइड से, मतलब पेटर्नल साइड मेटर्नल साइड यहाँ पे हम डील नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम हेरिडिटरी में ये डील कर रहे हैं कि ओके वेट अ सेकंड, इमीडिएट पेरेंट. इमीडिएट पेरेंट को अगर है तो, मतलब या तो मदर या तो फादर. अगर मदर और फादर में से दोनों में से कोई ऑटिस्टिक है तो देर आर चांसेस कि जो फर्स्ट बेबी होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, जो भी है, वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जेनेटिक म्यूटेशन पे. जेनेटिक म्यूटेशन, अगर जीन्स में कोई वेरिएशन आ रहा है, किसी भी रीज़न से कोई भी वेरिएशन आ जा रहा है जो कि आगे जाके CNS डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन में आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स डील करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, फिर यहाँ पे डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, मतलब जितना भी जीन से रिलेटेड जो भी है, या तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाना या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहाँ से हट जाना, जो क्रोमोसोम ऑलरेडी है वहाँ से हट जाना या डुप्लीकेट हो जाना क्रोमोसोम्स का, ये सारे जो जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आते हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ऑटिज़म हो सकता है. मोनोजाइगोटिक ट्विंस, हमने जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डील किए हैं हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ये जेनेटिक में बहुत मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो एक, मतलब अगर न्यूट्रिशन है या कुछ भी है वो दो में डिवाइड हो रहा है, एक को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है और एक को बहुत प्रॉपर तरीके से मिलता है. तो जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है उनमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. दैट्स वाई हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी एक मेन कॉज मानते हैं ऑटिज़म का. लास्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या फिर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने मेंटल रिटार्डेशन में बहुत सारे डील किए थे, डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइजोमी एक्स सिंड्रोम हो गया, यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है. सॉरी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में हमने देखा था कि जो फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन जीन है, मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन जो है, इसका क्या होता है, इसमें वेरिएशन आ जाते हैं, ये फिर प्रोटीन नहीं बना पाता है. उस प्रोटीन को हम बोलते थे फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन, सॉरी FMR बोलते थे हम उसे. ओके, FMRP बोलते थे हम इसे, फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन. और ये प्रोटीन किस में हेल्प करती थी, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन बनाने में, कनेक्शन फॉर्म करने में ये हेल्प करता था. अगर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है तो, मतलब अगर फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन जीन 1 जो है वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से बाकी सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन नहीं बनेगा और उसके वजह से और भी ज़्यादा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें से एक ऑटिज़म भी है. नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे हम बेबी से ज़्यादा मदर के लिए डील कर रहे हैं. मदर के लिए इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि ब्रोकन फैमिली है या फिर फैमिली स्ट्रेस है या पॉवर्टी है, ऐसे कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, या फिर पॉवर्टी की वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपर उनको नहीं मिल रहा है तो उनके बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैल अब्जॉर्प्शन हो सकता है, मैल अडेप्टेशन हो सकता है और
प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे आगे जाके केसेस रहते हैं जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि ऑटिज़म हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा मदर को तो बेबी जो फीटस है उसका भी ब्रेन डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे चल के CNS डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। तो इसीलिए ब्रोकन फैमिली, फैमिली स्ट्रेस या फिर पॉवर्टी भी एक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एबनॉर्मैलिटी इन ब्रेन फंक्शनिंग। किसी भी रीज़न से अगर टेम्पोरल लेटरल या फिर ब्रेन स्टेम, मतलब टेम्पोरल लोब, लेटरल लोब या फिर ब्रेन स्टेम पे अगर किसी भी वजह से डिफेक्ट हो रहा है, या वो ट्यूमर हो गया या फिर हेड ट्रॉमा है, हेड ट्रॉमा में इस पोर्शन में चोट लगी है, या कोई क्लॉट है या कुछ भी है, थ्रोम्बस है, एम्बोला है, कुछ भी है जिसकी वजह से टेम्पोरल लोब, लेटरल लोब या फिर ब्रेन स्टेम जो है वहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, वो चीज़ इफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटिज़म हो सकता है। वो क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्पोरल लोब जो है वो क्या हैंडल करता है, उसमें क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी स्टोर करके रखता है। ऑटिस्टिक लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, वो और ज़्यादा अपना स्पेस जो है वो ओपन नहीं करते, वो बहुत क्लोज स्पेस में रहना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा फियर होता है कि बाकी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या फिर उनकी उनका डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को रिपीट मोड पे करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। टेम्पोरल लोब, लेटरल लोब, ब्रेन स्टेम वगैरह जो है ये कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जहाँ से बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ये डील करते हैं। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी आगे जगहों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एलिवेटेड प्लाज्मा सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन का लेवल है, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से रिपीटेटिव मोड पे काम होता रहता है, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं खुद को, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जो भी पेशेंट है। तो इसीलिए एलिवेटेड प्लाज्मा सेरोटोनिन जो है वो भी एक कॉजेज़ है। नेक्स्ट इज़ लो बर्थ वेट। अगर बेबी जो है बेबी LBW है, मतलब लो बर्थ वेट बेबी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, वही प्री मेच्योर वाला। अगर वेट कम है तो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिलेगा नहीं, CNS को डेवलपमेंट, CNS का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और CNS डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। बींग बॉर्न टू ओल्डर पेरेंट्स। अगर ओल्डर पेरेंट्स को बेबी होता है तो मदर अगर ओल्डर है तो उनके जो सेल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में जितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से भी हम इसको एक कॉज मानते हैं। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया, सेम मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, कुछ मेन जो वाइटमिन्स होते हैं या आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम आती है। एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अगर मदर को कोई भी मदर या फिर जस्ट जो न्यूबॉर्न बेबी है वो अगर एक्सपोज होता है बहुत हैवी मेटल्स के या फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, एस्बेस्टोसिस हो गया या फिर जो भी ये ऑक्यूपेशनल मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर मदर को ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी हैं तो फिर आगे जाके जो बेबी है उसको ऑटिज़म डेवलप हो सकता है। एंड लास्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इधर बेबी को और मदर को अगर वायरल इन्फेक्शन है, रिसेंटली कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो वो भी आगे जाके वो कॉज कर सकता है बेबी में, जैसे अगर एनसेफलाइटिस है या फिर मेनिनजाइटिस वगैरह बर्थ के टाइम पे हुआ है तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट दे सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज, आई होप आपको ये समझ में आ गए हों। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डील करेंगे कि ऑटिस्टिक जो पेशेंट होते हैं या ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है IQ लेवल इज़ बिलो 70। हमने पहले ही डील किया कि इनका इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो बहुत कम होता है, 70 या फिर 50 से कम ही होता है, 30% या 40% इनका IQ लेवल होता है।
नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट. ये किसी से भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं. मैंने इससे पहले भी आपको एक बार रिपीट किया था कि जो क्लोज होते हैं, जिनसे वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करते हैं हमें, तो उनके साथ ही वो बस आई कॉन्टैक्ट करते हैं. बाकी किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं. डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल. ये बहुत डिले स्पीच होती है. अगर कोई इनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टाइम पे इनका न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है वो इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे आंसर करें. इसलिए वो क्या होता है, डिलेड स्पीच हो जाता है. और कम्युनिकेशन स्किल भी उनकी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है. वो किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. रिलायंस ऑन रूल्स एंड रूटीन्स. ये रूल्स एंड रूटीन्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. इनके कुछ रूल्स होते हैं जो या तो ये खुद बनाते हैं या किसी ने बना के दिया हो. इनका रूल्स एंड रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो करना, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होते हैं. अगर 10 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 10 बजे ब्रेकफास्ट करना है. अगर 10 बजे ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं. तो ये अपने रूल्स और रूटीन्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. नेक्स्ट इज़ बीइंग अपसेट बाय रिलेटिवली माइनर चेंजेस. अगर इनके डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हैं उसमें माइनर चेंज भी आता है, छोटे से छोटे चेंजेस भी आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा इंटेंस बिहेवियर इनका आ जाता है. नेक्स्ट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड इंटेंस रिएक्शन टू साउंड, टेस्ट, साइट, टच एंड स्मेल. जितने भी 5 सेंसेस हैं, अगर ये 5 सेंसेस मतलब थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, अगर किसी ने मतलब स्मेल अगर आ रही है नॉर्मल स्मेल से, अगर किसी ने परफ्यूम ज़्यादा लगा लिया या कुछ बुरी स्मेल आ रही है या बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं. ज़्यादा साउंड आ रहा है या फिर टेस्ट चेंज हो गया है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन शो करते हैं. और जैसा मैंने पहले बोला, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं उसमें. नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन. ये दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनका जो अडैप्टिव स्किल होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम करता है. तो ये किसी और के इमोशंस को, किसी और के किसी से एम्पथाइज नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड. एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना और रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर. बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसको रिपीट करते रहते हैं, वर्ड्स मगल अप करते रहते हैं, खुद ही बोलते रहेंगे, कोई सुने या नहीं सुने, वो अपने में ही वो चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं. और रिपीटेटिव बिहेवियर, फ्लैपिंग हो गया, रॉकिंग हो गया या फिर स्पिनिंग हो गया, ये बार बार रिपीट मोड पे करते रहते हैं इनका बिहेवियर. ओके, तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. एंड नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों दे रहे हैं. ड्रग थेरेपी पे हम लिथियम इसलिए दे रहे हैं ताकि इनका मूड जो है वो स्टेबलाइज रहे, ना ये ज़्यादा हाइपर एक्टिव एक्टिविटीज़ करें, ना ये ज़्यादा शांत रहें. और ऐसे सारा हम यहाँ पे दे रहे हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ताकि जो सेरोटोनिन लेवल जो है, सेरोटोनिन का लेवल प्रॉपर तरीके से रहे और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो. साइकोथेरेपी हम यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं ताकि इनमें थोड़ी एबिलिटी आए कि कैसे बिहेव करते हैं किसी के सामने या फिर कैसे कम्युनिकेट करना है. कॉग्निटिव थेरेपी में उनका जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ को, सोचना, थिंकिंग एबिलिटीज़ वगैरह को इनक्रीज़ करते हैं. फैमिली थेरेपी में सिर्फ एक से नहीं, मतलब पूरी जो फैमिली है उनके साथ वो मिंगल अप करने की कोशिश करते हैं और बात करना मतलब सीखते हैं कि कैसे बात कर सकते हैं. ग्रुप थेरेपी में ऑटिस्टिक लोगों के साथ ही रह के बहुत सारे ग्रुप सेशंस में जाने के बाद उनको थोड़ा बहुत ये आता है कि किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो ये था ऑटिज़म, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. आई होप आपको ये समझ में आया हो. थैंक यू क्लास.